मास्टर फ्लैट्स हैं उसी फ्लैट्स में आज हम विजिट करने आए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स, आज हम जिस फ्लैट का आपको दिखाने के लिए आज आए हैं, ये 4 बेडरूम फ्लैट है। 4 बेडरूम 4 टॉयलेट फ्लैट है और ये रीसेल फ्लैट है। इसे बहुत सारी खूबियां हैं। ये ईशान कोण में आप पूजा घर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये ड्राइंग डाइनिंग से कनेक्टेड बालकनी है ईस्ट फेस में। यहाँ से व्यू बहुत सुंदर आ रहा है होटल सोसाइटी का। देखिए नीचे में लैंडस्केप गार्डन है, स्टेज एरिया है, ये स्टेज एरिया हुआ, उधर लैंडस्केप गार्डन है और उधर स्विमिंग पूल बना हुआ है और ड्रेस चेंजिंग रूम देख रहे हैं। बालकनी भी अच्छा है, 3 जन आराम से बैठ सकते हैं। बेसिन बना हुआ है। ये कॉमन वॉशरूम हुआ। ये फर्स्ट बेडरूम हुआ और लेफ्ट हैंड साइड में वॉशरूम। जिस ऑनर का था उन्होंने सब कुछ मॉडुलर फ्लैट बनाया हुआ है, कैबिनेट वगैरह सब बनाया हुआ है, बहुत जगह बेड वगैरह सब बना हुआ है। यहाँ से आप इडन कोर्ट देख पा रहे हैं, बेलव्यू हॉस्पिटल देख पा रहे हैं। एक किचन हुआ, मॉडुलर किचन बना हुआ है। किचन से व्यू बहुत सुंदर है। ये देखिए ड्राइंग रूम में सब वार्डरोब वगैरह का सब काम किया हुआ है, बहुत ही सुंदर से फ्लैट सजा हुआ है। ये सेकेंड बेडरूम में हम लोग आ गए हैं। वार्डरोब का सब काम किया हुआ है, फॉल सीलिंग लगा हुआ है। एक्चुअली मैं बोलना भूल गया, टोटली फ्लैट में फॉल सीलिंग का काम किया हुआ है। ये हम 3rd बेडरूम में आ गए। ये वॉशरूम हुआ, और ये किड्स रूम होगा। किड्स के लिए
कैबिनेट बना हुआ है। यहाँ लैपटॉप कंप्यूटर रखकर बच्चे पढ़ सकते हैं, बड़े भी अपना काम कर सकते हैं। उस तरह से यहाँ पर सब बना हुआ है, बहुत अच्छे से बनाया गया है। ये वेस्ट साइड में एक बैल्कनी हो गया। यहाँ से आप इको स्पेस बहुत आसानी से देख पा रहे होंगे, टीशियस इको स्पेस। ये बालकनी का एरिया हो गया। वार्डरोब से बना हुआ है यहाँ पर, थर्ड बेडरूम हो गया। ये हम फोर्थ बेडरूम में एंट्री कर रहे हैं और फोर्थ बेडरूम का वॉशरूम ये हुआ। यहाँ पर सारा काम किया हुआ है वार्डरोब वगैरह का। वुडन टाइल्स लगा हुआ है। यहाँ से व्यू बहुत सुंदर है। आप टाटा एवेन्यू, ईडन कोर्ट, वेलव्यू हॉस्पिटल यहाँ से देख पा रहे हैं। यहाँ से आप इको स्पेस देख रहे हैं, वेस्टर्न टावर देख पा रहे हैं, नारायणा स्कूल देख पा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा वार्डरोब खड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, ये जो फ्लैट देख रहे हैं, ये टोटल फ्लैट 4 BHK का है और 2200 स्क्वायर फुट का फ्लैट है। 4 BHK, 4 वॉशरूम, बहुत ही सुंदर और क्लासिक फ्लैट है। बहुत अच्छा से इंटीरियर किया हुआ है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और दूसरे फ्लैट में जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये हम 3 बेडरूम फ्लैट में आए हैं और ये फ्लैट टोटली 1500 स्क्वायर फुट का फ्लैट है। और ये देखिए इसका ड्राइंग कम डाइनिंग। ये फर्स्ट बेडरूम में आए हैं। ड्राइंग डाइनिंग से कनेक्टेड बालकनी।
ये बालकनी, बड़ा बालकनी है और ये देखिए आपको यहाँ से व्यू दिखा रहे हैं। ये रोड साइड फ्लैट है, ऑटो ऑटो बस सब चलती है। ये हम किचन में आ गए हैं। ये किचन काफी बड़ा किचन है। ये सेकेंड बेडरूम हुआ और इसमें अटैच वॉशरूम भी है। वुडन टाइल्स लगा हुआ है। यहाँ से आपको बैडमिंटन कोर्ट दिखाई पड़ रहा है। यह विंडो साउथ फेस में है। ये थर्ड बेडरूम है। ये अटैच है। फ्रेंड्स यह फ्लैट कीरो सिटी में है, 1500 स्क्वायर फीट का, 3 बेडरूम 2 टॉयलेट। काफ़ी बड़ा और काफ़ी सुंदर फ्लैट है। फ्रेंड्स हम कीरो सिटी के रूफटॉप पर आए हुए हैं आपको यहाँ का एमिनिटीज़ वगैरह दिखाने के लिए। इसके सारे एमिनिटीज़ रूफटॉप पर हैं और इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतना अच्छा है, यहाँ से आप हर तरह का कनेक्टिविटी पाइएगा। मैं कोशिश करता हूँ आपको कुछ बताने की। ये जो लैंड आप देख रहे हैं सामने में, ये न्यूटन एक्शन एरिया 2 का बस टर्मिनल होने जा रहा है। यहाँ से दूर दूरांतों के लिए बस छूटेगा यहाँ से। और सामने में आप जो देख रहे हैं ये ब्लू कलर का, ये आपका आलिया यूनिवर्सिटी है। ये सामने में जो देख रहे हैं ये अमिटी यूनिवर्सिटी है और इसके ठीक सामने में कॉफ़ी हाउस है। यहाँ से 1 से 1.2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ये सफ़ेद रंग की जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये नारायणा स्कूल है, CBSE बोर्ड का है। और एक लंबा सा टावर आप देख रहे हैं ये वेस्टर्न टावर है और उसके बगल में ही आपका इको पार्क है और कलाक्षेत्र मेट्रो स्टेशन का काम वहाँ पर चल रहा है। अपकमिंग मेट्रो 1.4 या 5 किलोमीटर के अप्रॉक्स में है, उससे आसपास ही है, ज़्यादा नहीं है कम भी नहीं है। आइए आपको कुछ और बताते हैं।
यहाँ पर आपका बैंकिंग जोन भी होने जा रहा है, यहाँ पर आपका आईटी हब है, सिलिकॉन वैली भी बगल में ही है। देखिए रूफटॉप को बहुत ही सुंदर से सजाया गया है। एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पर एक तो ट्रेडमिल रखा गया है। ये जिम एरिया हो गया, यहाँ पर मिनी थिएटर है। ये मिनी थिएटर का जगह हो गया। फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ अपना छुट्टियाँ आराम से मजे से कटा सकते हैं। और ये स्टीम बाथ हुआ, ये स्पा हुआ, ये डांस रूम हुआ। मान लीजिए आपका बच्चा कोई डांस का प्रैक्टिस करता है और घर में कोई गेस्ट आए हुए हैं वो नहीं कर पा रहा हो या फिर घर में करने का जगह ही ना हो तो यहाँ पर कोई डांस प्रैक्टिस कर सकता है, उसके लिए जगह बनाया हुआ है। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं यहाँ से जस्ट 500 मीटर या उससे कम की डिस्टेंस में जाने पर आपको DPS मेगा सिटी स्कूल चलाएगा। रूफटॉप पर वेशिंग बना हुआ है, वॉशरूम बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं लाइब्रेरी है रूफटॉप में। ये कम्युनिटी एरिया हो गया। यहाँ पर वॉशरूम बना हुआ है, यहाँ पर किचन एरिया हुआ। मान लीजिए आपका घर में किसी का मैरिज पार्टी हो एंड मैरिज एनिवर्सरी हो, बर्थडे पार्टी हो तो यहाँ पर आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर टोटली अरेंजमेंट्स किया हुआ है, बहुत ही अच्छी तरह से वेल मेंटेन्ड है।
यह कैरम रूम हुआ। यहाँ से एक टावर से दूसरे टावर जाने का कनेक्शन बना हुआ है, बहुत अच्छी तरह से आसानी से जा सकते हैं। ये छोटा मोटा पार्टी अड्डा जोन बना हुआ है। छोटा मोटा पार्टी अड्डा जोन की तरह है, एक छोटा मोटा कोई सेलिब्रेशन अगर करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ये सब जगह लेडीज कॉर्नर हुआ। वो आप देख रहे हैं टाटा एवेनिडा है, सामने में टाटा इंडियन कोर्ट है, और ये देख रहे हैं वेलव्यू हॉस्पिटल है जो एक मिंटो पार्क में है, सेकंड इनका यहाँ पर खुल रहा है, और ये टीशे सिको स्पेस। ये बस टर्मिनल, ये जो लैंड आपको दिखाई पड़ रहा है होटल लैंड, यहीं पर बस स्टैंड बन रहा है और दूर दूरांतों से बस यहां से खुलेंगे। ये प्रपोजल है, गवर्नमेंट इसको मान भी लिया है, बस काम जब शुरू हो जाए। अब चलिए चलते हैं ग्राउंड फ्लोर में, वहाँ पर आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम ग्राउंड फ्लोर में आ गए हैं और ये देखिए लैंडस्केप गार्डन है नीचे में। इसे रोमांस स्टैचू बोलते हैं। यह किड्स प्ले एरिया हो गया, अपर बेसमेंट। साथ ही साथ यहाँ पर कोई पार्टी फंक्शन होता है या फिर पूजा पाठ होता है तो उसके लिए जगह भी यूज किया जाता है। ये स्विमिंग पूल आप देख रहे हैं, ये चेंजिंग रूम हो गया। चेंजिंग रूम हो गया, फ्रेंड्स इस हीरो सिटी प्रोजेक्ट का मैं आपको इंटरनल व्यू दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं
तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर मेरा काम पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसके बेल वाला आइकन में जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और बेसमेंट पार्किंग भी है, ग्राउंड फ्लोर में भी पार्किंग है और इस तरह का कैनोपी पार्किंग भी है। हर बजट रेंज में यहाँ पार्किंग है। एजेंट और ब्रोकर से हम्बल रिक्वेस्ट है, कृपया वो हमें कॉल ना करें। जेन्युइन और सीरियस बायर ही कॉल करें जिन्हें यह फ्लैट अच्छी लगी हो और जो इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन में अपना फ्लैट खोज रहे हो, और इन फ्लैट से संबंधित जो भी जानकारी हो वो बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं। कृपया कर कॉल सुबह 11 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कहीं करें। 8 बजे के बाद कृपया कॉल कर कॉल ना करें। फ्रेंड्स, यदि आप ये चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूँ। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।